वार्षिक भाई। उर्मिला बहनी, आपने आज तक केशव का केष्टो किया, केशोद किया, आशव किया, तब तक ठीक था। अच्छा, बीच में आपने बालों भी किया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, केश और बाल सेम मतलब होता है, वो भी चला लिया। बराबर वार्षिक। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया ना कि मैं आपको बुला रही हूँ, तब अच्छी क्या बाल की खल निकालने बैठ जाते हो। मेरे मुद्दे की बात सुनो ना, आपने मेरे महेंद्र को देखा है क्या कहीं पे? है देखा देखा, इनके पति का नाम कभी इधर उधर नहीं होता, धर्मेंद्र, जितेंद्र, दलिंदर, कभी नहीं। ओ बहन जी, बोलन भाई। ये बालकृष्ण गोखले कहाँ रहते हैं बताएंगा का तने? अल्लाह, कृष्ण गोखले? हाँ, नहीं मैंने तो पहली बार सुना ये नाम भाई साहब। अरे ओ उर्मिला बहनी, आपके समधी हमारे अन्ना बालकृष्ण गोखले। अच्छा, तो ये नाम कब रखा है? ये गोखले गोखले, हाँ हाँ, ले सॉरी सॉरी भूल गई, सॉरी। हाँ, ये अपना ये गली आगे एंड होती है ना, वो गली के एंड पे ही है इन लोगों का घर, वो उधर। आपके हाथ की तरफ वो रास्ता भी मुलायम है का? नालायक, बेशरम, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ओ भाभी जी, हमारे घर में तो हमारी सिर्फ दादी है। ऐसे रास्ते में आप जैसे छम्मा छल्लो खड़ी हो, तुम दूसरी औरत के बारे में सोचे भी क्यों? जो सौदागर भाई, बीच सड़क में मेरे जैसी फेमस लेडी को छेड़ रहा है आदमी। आप फेमस है भाभी? और नहीं तो क्या, वो दीपिका इनकी एड नहीं आती है, इश्तेहार इश्तेहार, उसमें मैं ही तो हूँ। उसके बाद मुझे दो चार ऑफर और आई थी, लेकिन क्या है ना, मेरी बेटी गायत्री है ना, उसकी शादी एकदम सर पे आ गई है भाई। ओ उर्मिला बहनी, ये आपको छेड़ रहे थे, आप क्या बातें करने बैठ गई? तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की? उर्मी बोलता है। तारी जात ने वांदा मारू, उर्मी बोलने का अधिकार सिर्फ मेरे महेंद्र को है, समझे? तारी जाइए जाइए, बस मस्ती 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 जाइए। अरे उर्मिला बहनी, ये महेंद्र भाऊ ही है। ये? हाँ। जाने अबे। अरे बहुत सता। लेकिन महेंद्र, हाँ। ये क्या भेस बना के रखा है आपने? अरे उर्मिला बहनी, ये अन्ना हवा भरो आंदोलन स्टेप 3 है। अच्छा, महेंद्र भाऊ उर्मिला बहनी भी नहीं पहचान पाए, मतलब कोई नहीं पहचान पाएगा। और कुछ भी लोचा हुआ तो मैं तो हूँ ही, सीधा सीधा बोल दूंगा कि ये दूध वाला महेंद्र भाऊ जैसा बिल्कुल नहीं लगता। कोई लोचा नहीं होगा प्रभाकर दादा, क्योंकि आप वहाँ पे होंगे ही नहीं, आप यहीं पे रहोगे और चुप रहोगे। जाइए। ये महेंद्र, हाँ। मुझे भी आपका ये पूरा खेल देखना है, मैं भी चलती हूँ साथ में। हाँ चल चल, तू भी देख कैसे अन्ना भाई हवा भरो आंदोलन करता हूँ मैं। लेकिन महेंद्र, हाँ? वो ज्वेलर्स के पास से आप मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट क्या लाए हैं? डोबी सरप्राइज बता के दी जाती है क्या? लेकिन हाँ? महेंद्र, मेरा नाम महेंद्र नहीं है, गौरी शंकर है हमारा नाम। गौरी शंकर। अच्छा अच्छा, मस्त है, मजा आएगा। चलो चलो चलते हैं, और अभी आप भी देखना मैं कैसे चार चांद लगाती हूँ। प्रभाकर भैया, ये कौन है जिसको मम्मी आपके घर की ओर ले जा रही है? मुझे कुछ मत पूछो गायत्री, मैं हूँ ही कौन। हूँ ही कौन? प्रभाकर भैया आप घर के बड़े हैं। कौन गिनता है, किसको माने? अभी मैं तुमको कुछ भी बताऊंगा तो मुझे कहा जाएगा कि यहाँ पे भी आके खड़े मत रहो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, और आप बार बार केशव भैया की ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसी ने तय किया है ना कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब क्या गायत्री तुम भी, हाँ? प्रभाकर दादा की बात में मतलब ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो मेरा खुद के होने का ही कोई मतलब नहीं है केशव, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पापा से सीधे सीधे बात करनी होगी। राम राम अन्ना साहब। राम 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 राम। अपन को ये नहीं पहचाना? मींस के आपने नहीं पहचाना अन्ना भाई? ये वो गरीब दूध वाला है जिसकी डेयरी से आप शादी में ढेर सारा दूध लेने वाले हैं। अब भी बाहर मिल गए मुझे, आपका धन्यवाद करने आए। बोलो। अरे पर उनको तो बोलने दो। हाँ भाभी जी, तनिक हमका भी तो बोलने दीजिए। अरे मासू, तो आप बोलिए ना गौरी शंकर भाई। अच्छा एक मिनट, ए उर्मिला बहन, आपने अभी बताया आप अब भी मिली इनको, बरोबर? हाँ हाँ, अभी 5 मिनट पहले। तो भी आपको इनका नाम बरोबर याद रह गया। कमाल हो गया नहीं? अरे एक बार तो क्या हो गया था ने भाभी जी, तनिक अपनी जीभ को लगाम देंगी का, ताकि हम भी कुछ बोले अपने बारे में। बराबर। अन्ना भाई, आप तो हमारे लिए अन्नदाता हैं। अन्नदाता। अन्नदाता। आप अपने बेटे की शादी में जो उदार मन से खर्चा कर रहे हैं, दूध, मावा, अब सजावट सामग्री पर, हमारी आर्थिक उन्नति की वजह सिर्फ आप हैं अन्नदाता साहब। अरे इसमें अन्नदाता बिन्नदाता कहाँ बना डाला आपने मुझे। वैसे आपको ये धूमधाम की शादी की माहिती मिली कैसे? ओ रामचंद्र जोशी है ना पत्रकार, वो आए थे हमारे तबेले पर बतियाने। वो हमका बता रहे थे कि आप भव्य तरीके से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, हमारी तो कमाई बढ़ जाएगी अन्नदाता साहब, हमारे घर में खुशहाली छा जाएगी, हमारे घर में दिवाली से पहले ही दिवाली आ जाएगी अन्नदाता साहब, और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। अन्नदाता साहब, हम तो सिर्फ आपका धन्यवाद करने आए थे। तो अब मैं चलूं? हाँ चलो। भाभी जी, आप कहाँ चल रही है हमरे संग? उर्मिला बहनी, आप कहाँ जा रही है इनके साथ? वही तो हम कह रहे हैं भाभी जी, अजीब है ये, अजीब। अरे बाप रे, ये चाबी वाला खिलौना शुरू हो गया। अन्ना भाई पकड़ लेंगे कि ये महेंद्र है। बस बस गौरी शंकर भाई, बस। मैं तो ये कह रही थी कि आप चलिए, मैं तो यही हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अन्नदाता साहब चलता। अच्छा नमस्कार भाभी जी। वाह अन्ना भाई वाह, इतनी तो लोग शादी में पत्रिकाएं नहीं बांटते जितनी आप खुशियां बांट रहे हैं। ताज्जुब की बात देखो, ये बात ऐसे आग की तरह फैल रही है। अभी तो इसका मान रखने के लिए भी मुझे धूमधाम से शादी करनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ। अरे जीवती रे हमारी दिकरी। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगा के रहूंगी। वाह वाह वाह, सरदार जी के छोले कुलचे गर्मा गर्म। लेकिन ये पार्टी किस खुशी में है भाई? अरे अन्ना हवा भरो आंदोलन की खुशी में, उसकी कामयाबी की खुशी में। महेंद्र बाबू, अन्ना हमारे प्लान से ऐसे खुश हुए कि दिल खोल के खर्चा कर रहे। तो मैंने सोचा मौका देख के मैं भी चौका मार देता हूँ, थोड़ा खर्चा बढ़ा देता हूँ। क्या महेंद्र बाबू, अभी आपको दूध वाला और पत्रकार बना के भेजा, इस बार कोई और गेटअप में भेज देंगे, तो आप थोड़ी और हवा भर देना, अन्ना और खुश हो जाएंगे। क्या पता शादी में 2-3 फंक्शन रखने को और राजी हो जाए। ये रामचंद्र जोशी बनके मैंने अन्ना भाई का जो इंटरव्यू लिया था, वो छपाना तो पड़ेगा ना। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो महेंद्र बाबू, सब सेटिंग कर दिया है मैंने। एक छोटा सा अखबार है वो शाम पत्रिका, उसका एक पत्रकार है अपनी पहचान का है, मैंने उसको बोल दिया है रामचंद्र जोशी के नाम से आपका लेख उसमें छप जाएगा, अन्ना पढ़ेंगे और खुश भी हो जाएंगे। लेकिन केशव, जो भी करना सोच समझ के और संभल के करना, क्योंकि गायत्री का शक बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, गायत्री का शक बढ़ नहीं रहा है, यकीन में बदल चुका है। लेकिन तुम्हें कैसे पता बेटा? क्योंकि बेटा नहीं बेटी है महेंद्र भाऊ की। आपको 2 बेटियां हैं, मतलब एक तो बराबर है गायत्री और दूसरी ये दादा। मैं ही हूँ इनकी बेटी गायत्री अभिषेक की होने वाली पत्नी और बेचारे मेरे अंकल के होने वाली बहू। गायत्री 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 मेरी बात सुन। अरे बेटा गायत्री, हंसता है क्या है प्रभाकर दादा? मैंने बोला था इतना मत करना, बिगड़ गई ना बात। तो मैं भी जाऊं समझाने? नहीं नको, इसमें भी मुझे कुछ नहीं करने दिया। अगर शादी के साथ डेट क्लैश होगी तो मैं क्यों नहीं करूंगी आपका इश्तेहार। गायत्री सुनो तो सही, समझिए। ओके नहीं मम्मी, शादी के दिन हो तो भी आप इश्तेहार कर सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो शादी कैंसिल भी कर सकती हैं। ये क्या? क्योंकि अब तो मुझे सोचना पड़ेगा। हाय हाय गायत्री बेटा क्या बोल रही है तू? मम्मी इन दोनों से कह दीजिए मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हो गया माही जीजू, आप तो पसीना पसीना हो गए। ए हसीना बैठ, अब अगर तू उधर से खसी ना और मुंह में से एक भी शब्द भसी ना तो मैं तेरी फोटो चढ़ा दूंगी इस दीवार पर, वो भी हार लगा के। ओह बाहुबली उर्मिला, शांत हो जा थोड़ी। गायत्री बेटा हमने तो अन्ना भाई के साथ सिर्फ थोड़ा सा मजाक किया था और तू इतना सीरियसली महेंद्र सु तुम्हें पण बदानी सामे हो। बात को घुमाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप। अपने अंकल के साथी और भोलेपन का फायदा उठाया, लेकिन गायत्री उसके पीछे मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मत देना। अभिषेक देना पड़ेगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। गायत्री गायत्री अन्ना के सामने इतनी बड़ी नौटंकी की हमने, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी ना। और पप्पा प्लीज प्लीज अब ऐसा मत कहिए कि हमने उनके साथ मजाक किया या फिर उन्हें आजमाने के लिए यह सब कुछ किया है। गायत्री हमने इसीलिए किया कि जो कोई भी बचा रही हो। अभिषेक मेरा हक नहीं है जानने का। हाँ मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अब तुम कहोगे कि तुमने जो कुछ भी किया हम दोनों की शादी के लिए किया, तो उस शादी में मैं भी शामिल हूँ। अभिषेक अरे शांत गायत्री बेटा शांत, जीजू और अब्बू के चेहरे तो देखो। कोमिला मासी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। हाँ रूपल इसका एक फोटो लेके आ और हार लेके आ साथ में। हाँ अभी लाई। और कोमिला चल तू फटाफट मर जा समझे। अच्छा और गायत्री बेटा तू जरा गुस्सा शांत कर, तेरे पप्पा और अभिषेक का चेहरा तो देखें। चेहरे? ये चेहरे नहीं है मम्मी, ये मोहरे हैं। और इन दोनों का असली चेहरा आज मुझे नजर आया। पापा आप और आप दोनों ये बात सुन लीजिए कि मुझे आप दोनों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैडम और मुझसे आप दोनों बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अरे गायत्री चले जाना बेटा, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बोलूंगा, उसके बाद तुम क्या मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। बेटा शादी में खर्चा करने के लिए हमने अन्ना भाई के साथ साजिश की, ये बात सच, और तुमसे ये बात छुपाई ये भी गलत किया हमने। लेकिन बेटा हमने जो कुछ भी किया वो उस परिवार के लोगों की खुशी के लिए किया। बंडिया और मेनका अपने पुराने कपड़ों को रफू करवा के पहने, औरतें साड़ियां मिक्स एंड मैच करके चला लें, और तुम्हारी माँ अपने सारे अरमानों का गला घोटती रहे सिर्फ इसलिए कि पैसे होते हुए भी एक आदमी हर चीज में सादगी की जिद करता फिरे। क्यों? बेटा विवाह तो संसार से दूर रहने वाले भोलेनाथ शंकर का भी धूमधाम से हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ प्रसंग नहीं है, उत्सव होता है। हर परिवार का अपना निजी उत्सव, जहां गरीब से गरीब आदमी भी एक दिन के लिए अपने सारे दुख दर्द को भुलाकर राजा रानी की तरह जीता है। अगर इस एक दिन को जीवन का सबसे खुशहाल दिन बनाने के लिए अगर हमने अन्ना भाई के साथ छल किया तो किया, इस बात का ना ही हमें कोई अफसोस है और ना ही शर्मिंदगी। माना कि आपने दूसरों के लिए छल किया, लेकिन इसका अंजाम बेचारे अंकल को भुगतना पड़ेगा, ये देख लेना आप। और अभिषेक को भी बोल दीजिएगा कि आपकी साजिश का असर बेचारे अंकल पर कैसे पड़ता है। आहो, ये लीजिए। वाह 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 वाह, हेम्पर नहीं बिम्प। प्रभाकर, इसे कहते हैं पत्रिका। हाँ। बस साथ में ये रख दीजिए ना अन्ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या है क्या ये बाड़ा? पत्रिका प्यारी बन गई क्योंकि साथ में उसके है ड्राई फ्रूट। श्रीखंड स्वादिष्ट हो गया क्योंकि उसमें डाला था ड्राई फ्रूट। तो पत्रिका श्रीखंड एक हुए, दीपिका मूलचंद एक हुए। ये सोने पे सुहागा है? अरे ये तो एक बाप अभागा है जिसके बेटे के अंदर गीतकार जागा है। गीत वो भयंकर लिखता है और रोज अपने बाप से पीटता है। आहो, मैं शांत ही हूँ। अन्ना भारती, इसको आहो बोलो ताकि ये भी शांत हो जाए। बराबर। अरे बोल। अरे वाह वाह वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू। निर्मिति, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है तूने अपनी जेठानी को। बड़ी बहू है इस घर की ये आई। बहनी, एकदम रुबाब से जाना पत्रिका लेकर। ऐसे ही ऐसे ही बाउली। ये लीजिए पत्रिका हैम्पर। भारती, तूने पत्रिका ठीक से पढ़ ली है ना? देखा बड़ा, अब सारी पत्रिका छप के आ गई है, अब कुछ भी बदलने की गुंजाइश ही नहीं। हाँ, सब अच्छे से एकदम फटाफट पढ़ लिया। कुछ भी गलत नहीं है। चलो चलो, आप भी फटाफट निकलते हैं, फिर दुकान पे भी जाना है। शादी के लिए बहुत कम दिन बचे हैं अभी। चलो 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 निकोया, चल प्रभाकर। हाँ। चल बाहर। ये लीजिए। शाबाश, अप्रतिम। ओहो, अरे वाह 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 वाह। अन्ना भाई, आपका निमंत्रण तो हमारे निमंत्रण से भी शानदार है और महंगा भी। महेंद्र, काफी महंगा होगा नहीं? अरे नहीं नहीं उर्मिला बहन, महंगा है लेकिन इतना महंगा भी नहीं है। क्या है ना, सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना है तो थोड़ा खर्चा बिर्चा तो करना पड़ेगा ना। थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे और क्या। हाँ, अभी हमारे अन्ना के बाजू में बहुत जान है। वाह भारती वाह, ये बहुत जान है का इशारा ऐसा विचित्र कैसे? नहीं, ये उमराव जान का इशारा था अन्ना, इसमें भी तो जान आता है ना। बरोबर। चलो चलो महेंद्र भाव, अभी चलते हैं। चलो, दुकान जल्दी खुलनी है। आहो, अरे मैं शांत ही हूँ लेकिन अभी हाथ पैर शांत नहीं रहने दूंगा। दुगनी मेहनत करूंगा। दुगनी क्या, 3 गुनी। नहीं, 5 गुनी। नहीं, 10 गुनी। चलो आज ये आपके सेव और ये आपका चिवड़ा और मेरी भाकरवड़ी। पहले तो ये रख दो इधर। हाँ भी देखो। क्या है ना, भाकरवड़ी नहीं बोलते हैं, बाकरवड़ी बोलते हैं। बकरी का ब बोलते हैं। हाँ बाड़ा, दे दो अभी दे दो, सब दे दो इनको। धन्यवाद। आइए, नमस्कार, राम राम। बताओ क्या दूं आपको? बाकरवड़ी चखने को मिलेगी क्या? नहीं, साबुन खरीदने जाते हो दुकान में तभी उसको बोलते हो कि जरा घिसने को मिलेगा क्या, या साड़ी खरीदने जाते हो तभी दुकान वाले। ए, 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 बस केशव, ऐसे क्या बात करता है बेचारे के साथ में। हा? इतना प्यार से पूछा उन्होंने। हाँ ठीक है, दे दो इनको, चखने को दे दो हमारी बाकरवड़ी। हाँ लेकिन भाऊ आप है ना, अपने बेटे और बेटी को बोलना कि पिज्जा बर्गर ये सब खाने को जाए तो वहां पर भी पूछे कि थोड़ा चखने को मिलेगा। कैसी लगी हमारी बाकरवड़ी? अप्रतिम। वाह 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 वाह, अप्रतिम बोला, कितना प्यारा गिराइक है ये। थैंक यू। वाह 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 केशव, आज सूरज समंदर से निकला है क्या? नहीं, रावण अहिल्या की बोली बोला। योगेश हमारे अण्णा के साथ। अरे अभिषेक बोलने दे, बड़ा बोलने दे, सही कह रहा है योगेश बर्वे। क्या है ना, कभी कभी खुशियों की भूख पूरी करनी हो ना तो स्वाभिमान निगलना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ, तुमको भी चाहिए क्या बाकरवड़ी? मैं स्वतः अपने हाथों से दूंगा। अरे डरो मत डरो मत, वो तुम्हारी फोटो निकलवा देता हूँ। अरे मंग्या फोटो निकाल, योगेश बर्वे की फोटो निकाल इधर से। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दो क्या बाकरवड़ी? 4 किलो दे दूं क्या? अच्छा 2 किलो बाकरवड़ी लोगे क्या योगेश बर्वे? नहीं नहीं अन्ना, नको मन नको, आप ऐसे पूछते हुए अच्छे नहीं लगते। आप डांट के हक से बोलिए ना, क्योंकि आपको स्वाभिमान निगलना पड़ा तो पूरी महादेव पेट का स्वाभिमान चला जाएगा। आप डांट के बोलो ना। चाहिए क्या बाकरवड़ी? बाकरवड़ी का चखने को मिलेगी क्या? डांट दिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.